फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करेंगे SG रोडस्टार स्मोक ग्रे कलर, और जो बाइक का इंजन सीसी है 333 है। तो मैं ज़्यादा उल्टा सीधा बात बोल के वीडियो लंबा नहीं करूँगा, डायरेक्ट जो पॉइंट है बाइक में क्या क्या अच्छा ही है और क्या क्या बुराई है मैं वही बोलूँगा, क्योंकि मुझे कुछ फ्रेंड्स ने मैसेज भी किया था स्पेशली कि हम लोग बाइक लेना चाहते हैं तो प्लीज़ बाइक में क्या क्या अच्छा है क्या क्या बुराई है हमको बना के दियो, इसलिए मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। तो ये बाइक मैंने फास्ट सर्विसिंग कर लिया और जो मैं बाइक चलाया वो 2333 किलोमीटर्स। तो इस बाइक के साथ मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस है, मैं लॉन्ग राइड भी लेके गया था और सिटी में भी चलाया, तो वही जो मेरा एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप लोग वीडियो पे बनी रहिए। तो गाइस, पहले हम बात करेंगे बाइक में क्या क्या डिसएडवांटेज है। मे भी आप लोगों को वो डिसएडवांटेज ना लगे, बट जो मुझे अच्छा नहीं लगा पहले वो शेयर करूँगा। अगर आप लोगों का कुछ लगे कि नहीं ऐसा नहीं है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बोलिए। तो जो मुझे पहले जो पॉइंट है, सब बाइक सभी रोड के लिए परफेक्ट नहीं है, कुछ कुछ कमियाँ रही थी सभी बाइक में, तो इसके भी कुछ कमियाँ हैं जो मैं पहले आप लोगों को शेयर करूँगा। तो पहले जो बाइक का व्यू है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। बाइक दिखने में मस्त है, लुक्स भी अच्छा है। मैं जितना बाइक चलाया, इवन कि जो मैं बाइक लेने के लिए पहले देखा, सबसे अच्छा लगा मुझे यही लगा, तो इसलिए मैं ख़रीदा। तो चलिए अभी बोलते हैं बाइक में क्या क्या कमियां हैं। पहले तो गाइस, जो फर्स्ट मुझे दो पॉइंट लगा कि इसका डिसएडवांटेज है वो है बाइक में हीटिंग होता है, और इतना हीटिंग होता है अगर मैं कभी ड्यूटी में जाऊँ या बाहर नॉर्मल कुछ काम के लिए जाऊँ, अगर थोड़ा भी ट्रैफिक रहे तो विदिन 5 मिनट्स के अंदर बाइक गर्म हो जाता है और पैर पे लगता है, जो बहुत ही अनकम्फर्टेबल होता है, क्योंकि मैं जस्ट 5 मिनट्स राइड करूँगा उसमें भी बाइक गर्म हो रहा है, और साथ में यहाँ पे भी गर्म हो रहा है, और ये जो है ये तो बहुत मस्त गर्म होता है, इतना गर्म होता है कि कभी कभी डर लगता है कि बाइक में कुछ हो ना जाए। तो मुझे सबसे ज़्यादा लगा कि नहीं, बाइक में जो हीटिंग इशू है वो बहुत ज़्यादा है। और एक जो कमी है वो मैं बोलूँगा, बाइक का जो माइलेज है वो सिटी में बहुत कम देता है। मैं आप लोग देख सकते हो वीडियो पे, मैं 2338 किलोमीटर चलाया और जो मुझे माइलेज मिला सिटी पे 15 से 18 तक ही मिला है माइलेज 1 लीटर में। तो ये दो चीज़ मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटेड किया। ये पता नहीं, अभी तो मेरा फर्स्ट सर्विसिंग हो गया, देखेंगे सेकेंड सर्विसिंग में इसका जो हीटिंग इशू है कम होता है कि नहीं होता है। तो मुझे पहले तो ये दो प्रॉब्लम ज़्यादा मेन प्रॉब्लम लगा जो इम्पोर्टेंट है, और जो थर्ड प्रॉब्लम है मुझे लगा है, आप लोग देख सकते हो क्लास, ये जो क्लास है ना, अगर आप सिटी में जा रही हो मैं क्या बताऊँ आपको, इतना टाइट है क्लास, और साथ में ये जो आपका हाथ है ना बहुत दर्द होता है यहाँ पे। आपको कभी कभी मन करेगा यार अभी बाइक छोड़ के 5 मिनट बैठ जाता है, बट क्या कर सकते हैं, ट्रैफिक में आप बाइक को स्टॉप नहीं कर सकते हो, क्योंकि रोड पूरा ब्लॉक रहता है, आप बाइक खड़ा नहीं कर सकते हो, तो ये बहुत ही अनकम्फर्टेबल लगता है और डिस्टर्ब करता है। और एक क्लास के बाद जो मुझे कमियाँ लगा ये बाइक का, ये जो लाइट है आप देख सकते हो ना मेरा हाथ का इतना सा, ये लाइट में मुझे बहुत कमियाँ लगा, क्योंकि आप इतना सीसी बाइक ले रहे हो, इतना महंगा बाइक ले रहे हो, बट जो लाइट का पावर है वो बहुत ही कम है। बोलो तो आप अगर जब रास्ते में निकलोगे रात को, उस टाइम आपको पावर नहीं दिखेगा पूरा, देखिए कि नहीं अपने लाइट ऑन ही नहीं किया, ऐसा मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैं जो पहले बाइक चलाया वो मेरा था एवेंजर 220 स्ट्रीट, उस पर मस्त पावर था, और अगर वो मैं लाइट जो ऑन करता था तो पूरा रोड मुझे क्लियर दिखता था, बट इसमें मुझे रोड ही नहीं दिखता कि मैं आखिर जा कहाँ रहा हूँ। ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हुआ है इस टाइप का हादसा, कि मैं एग्जैक्टली मैं लाइट ऑन कर चुका हूँ कि नहीं कर चुका हूँ। और मुझे बहुत वो लाइट के लिए जब मैं रात को निकलता हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाइक का जो लाइट है बहुत कम है पावर। और फ्रेंड्स, और इसके बाद अगर आप सिटी में घूम रहे हो बाइक लेके, तो थोड़ा ध्यान रखे घूमना, क्योंकि सिटी में ट्रैफिक रहता है, और साथ में पता है क्या हो रहा है, जो बाइक का बॉडी वेट है बहुत ज़्यादा बॉडी वेट है, जो बाइक का वेट है, इसके लिए अगर आप थोड़ा को आपको जगह मिल गया तो आप बाइक को तुरंत घुमा नहीं सकते, क्योंकि बाइक वेट है वो ऐसे घूमता नहीं है, इसलिए मुझे बहुत एक मेजर प्रॉब्लम लगे बाइक में। और आपको पता ही होगा बाइक का जो वेट है ऑलमोस्ट 200 किलो है जब आप लोग पेट्रोल भराओगे, तो इसलिए मुझे सिटी राइड में बहुत ही अनकम्फर्टेबल सा फील होता है। उसके बाद मैं बोलूँगा
और एक जो प्रॉब्लम है वो है ये बाइक का जो टैंक है, आप लोग देख सकते हो कितना टैंक दिखने में अच्छा है, मस्त है, बट इसका जो फ्यूल कैपेसिटी है टैंक में 12.5 है। इसके लिए अगर आप जब क्रूजिंग करने के निकलते हो उस टाइम आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि आपको थोड़ी देर बाद ही रिफ्यूलिंग करना पड़ेगा, जो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। क्योंकि क्रूजर बाइक है, आप हाई रोड पर जाओगे, आप बार बार फ्यूलिंग करोगे तो रिफ्यूलिंग करेगा तो कितना टाइम जाएगा। तो इसके बाद जो मुझे और एक जो डिस्टर्ब कर रहा है मुझे कुछ दिन से, आफ्टर फर्स्ट सर्विसिंग जब मैं सेल्फ लेता हूँ मुझे कुछ साउंड हो रहा है, पता नहीं किधर से साउंड आ रहा है, बट मुझे कुछ अनकंफर्टेबल सा अजीब सा साउंड हो रहा है। जैसे कि जो सेल्फ ने का जो जो बैटरी है, ऐसा लगा कि बैटरी कम नहीं कर रही है, तो कुछ तो साउंड हो रहा है। आप एक बार सुन लीजिए किस टाइप का साउंड हो रहा है। भाई थोड़ा साउंड स्टार्ट करो, सेल्फ लगाओ, आप लोग सुनना, और एक बार साउंड वो करो, सेल्फ लगाओ, कुछ तो साउंड होते गाइस, आप लोग देखना। एग्जैक्टली जो साउंड कुछ खड़क करके आवाज हो रहा था वो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि इतना महंगा बाइक है, अगर ऐसे साउंड होगा तो ऑफकोर्स अच्छा नहीं रहेगा। इवन कि जब मैं रास्ते पे निकल रहा बाइक में चलाता हूँ, 2-3 बार ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो अगर मैं सडनली स्टार्ट देता हूँ तो लोग घूमते रहता है कि बाइक में क्या हो रहा है। बाइक देखने में इतना अच्छा है, आप लोग देख सकते हो, बट जब सेल्फ लेता हो खटक करके एक आवाज़ होता है जो मुझे डिसअपॉइंटेड कर रहा है। अभी पता नहीं क्या हो रहा है, तो मैं जाऊँगा शोरूम को और बोलूँगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो गाइस मैंने आप लोगों को बोला 6 डिसएडवांटेज इस बाइक का। तो अगर आपको यहाँ पे आप लोगों को लगा कि नहीं भाई ये डिसएडवांटेज नहीं है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बोलिए आप लोगों का जो बाइक, आप लोगों को मैं बोला बाइक में क्या क्या कमियाँ था, अभी मैं बोलूँगा बाइक में मुझे क्या क्या स्पेशली पसंद आया। तो मैं फर्स्ट आप लोग बोलूँगा जो बाइक का की है, मुझे मस्त लगा, यहाँ पे HD का ब्रांड है और ये जो की है यहाँ पे लगाना पड़ता है, ठीक है। और बाइक मुझे स्पेशली मैं बहुत सारा बाइक देखा था, जैसे HD का रोडस्टर हो गया, स्क्लैम्बर हो गया, एडवेंचर भी हो गया, और साथ में मैं देखा था जो रॉयल एनफील्ड का मीटियोर है वो भी देखा था मैंने, और साथ में और एक बाइक देखा था जो मेरा एक टाइम पे मेरा फेवरेट था, जावा 42.1, वो मुझे बहुत पसंद था। बट जब ये आ गया तब मैं ये ले लिया, बिकॉज मुझे बहुत ही पसंद आया। इसका आप देख सकते हो गाइस सीट पोर्शन इतना मस्त है, आप लोग को मैं बोल नहीं पाऊँगा, इतना मज़ा आता है। और बाइक का जो लुकिंग क्वालिटी है, लुक्स बहुत ही सेक्सी है, आप लोग बोल सकते हो। तो जो बाइक का मीटर है मुझे भी स्पेशली पसंद है, बिकॉज यहाँ पे आप लोग को बहुत सारा डिटेल्स मिल जाता है। आप लोग को मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ABS का ये है, ये तो बाइक कौन सा नॉर्मल है, सॉरी क्या बोलते उसको, न्यूट्रल का वो होता है, या फिर फ्यूल का हो गया, वहाँ पे आपको और 2-3 मिल जाता है। अगर बाइक अगर आपको सपोज हीटिंग हो रहा है तो वहाँ पर वो उठ जाता है। और यहाँ पर आपको देखिए लिखा हो गया कि साइड स्टैंड, बोल तो आपका बाइक अभी साइड स्टैंड पर लगा हुआ है, इसलिए शो हो रहा है। और जो मुझे बाइक में पसंद आया कि जो ब्रेक है ये मुझे मक्खन जैसा लगता है, अगर जितना स्पीड में भी बाइक क्यों ना हो अगर आपने ब्रेक लगाया ना बाइक रुक जाएगा, आप देख सकते हो। वो ओनली फ्रंट डिस्क नहीं, दोनों ब्रेक में मुझे बहुत अच्छा लगा है डिस्क पे, क्योंकि डुअल चैनल ABS है, तो मुझे मस्त लगता है जब भी मैं हाई स्पीड में रहता हूँ, अगर मैं ब्रेक कर दिया तो बाइक इंस्टेंटली रुक जाता है, जो मेरे लिए नहीं सबके लिए ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो अच्छा है आपका सेफ्टी के लिए। तो ये मुझे बहुत स्पेशली पसंद आया। और गाइस और एक बात, इस बाइक को मैं एक्चुअली एक दिन में मैक्सिमम 4.20 किलोमीटर ऐसे चलाया था, तो जब मैं चला रहा था तो मुझे ऐसा दिक्कत नहीं आ रहा था कि नहीं मैं इतना किलोमीटर चला लिया, मुझे पता नहीं चला। तो लॉन्ग राइड के लिए मैं बोलूँगा नहीं, मस्त है, आप लोग अगर लेने के प्लान करें तो ले सकते हो, बाकी आप लोगों का मर्जी। और जो बाइक का शॉर्ट पिकअप है ना, मैं क्या बोलूँ, मैं भगाया है बाइक को, अगर थर्ड गियर पे रहा तो ऑलमोस्ट 70 क्रॉस हो जाता है। ये चीज़ मुझे अच्छा लगा कि नहीं, इंस्टेंटली पिकअप पकड़ लेता है बस इस बाइक। तो ये हो गया मेरा जो पसंद आया। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, ये जो है हैजार्ड लाइट,
ये मुझे स्पेशली पर्सनली पसंद है, बिकॉज आपको दूसरा कुछ मैकेनिक के पास जाके आपको मॉडिफाई नहीं करना पड़ेगा हेडलाइट के लिए। आप लोग देख सकते हो ये भी जल रहा है, ये भी पीछे भी आप लोग देख लो एक बार, आप लोग देख सकते हो। हाँ, और बोलना चाहूँगा ये जो डिज़ाइन है लुक से मुझे पसंद आया, रिफ्लेक्टर है, अगर पीछे से कोई बाइक या कार आ रहा है या फिर उन लोगों को दिख जाएगा और जो एक्सीडेंट होने का चांसेस है वो कम ही कम हो जाएगा। तो गाइस ये हो गया गाइस। और एक मुझे एक चीज़ अच्छा लगा इस बाइक में वो था, देखिए अब इस सेगमेंट में जितने भी बाइक है ना वो सिग्नल एग्जॉस्ट पे आता है, बोलो तो साइलेंसर पाइप। तो मुझे ये लेने का और एक जो अच्छा लगा कि इसमें दो एग्जॉस्ट है, इसलिए मुझे कूल लगता है कि नहीं, क्योंकि पहले जितने भी बाइक चलाया उसमें बस एक ही साइलेंसर थे। देख लिया, अभी थोड़ा आप लोग साउंड सुन लीजिए बाइक का विथ डिफिकलर। आप लोग देख सकते हो दिस इज डिफिकलर। ओके, अभी आप लोग विद इन डिफिकलर के साथ साउंड सुन लो, क्योंकि अभी बाइक वारंटी में है। मैं कंपनी से शोरूम से बात किया था, उन लोग बोला कि मैं उनको बोला था कि मुझे डिफिकलर खुलना है, उन लोग बोला अभी मत खुलो, अगर खुलोगे तो कुछ वारंटी का इशू आता है। तो मैं अभी इसको विद इन डिफिकलर के साथ आप लोग को साउंड सुनाता हूँ, बट जितना जल्दी हो सके मैं इसको निकाल के आप लोगों को विदाउट डिफिकलर के साथ साउंड भी मिल जाएगा इस चैनल पे। तो गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो फिलहाल और बाइक का साउंड सुन लो। भाई स्टार्ट करो, आई डोंट नो आप लोगों को पूरा साउंड सुन रहा है कि नहीं हो रहा है, बट मेरा कान का पर्दा जो है वो फटने वाला था इसलिए बंद कर दिया। तो गाइस ये हो गया आज का कंप्लीट बाइक का रिव्यू, जो मेरा जितने भी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं या देख रहे हैं वीडियो, उन लोगों के लिए आप लोग देख लो, अगर आप लोग हिसाब से ये जो रिव्यू है ये सही है या गलत है या फिर मैं कुछ छोड़ दिया डिसएडवांटेज या एडवांटेज में, प्लीज़ कमेंट करके बोलिए। अगर कुछ कमियां हैं तो मैं आफ्टर सेकेंड सर्विसिंग मैं और एक रिव्यू देने का ट्राई करूँगा। थैंक्स गाइस वीडियो देखने के लिए।